आस्था रूपी अगर नाव मिली हो तो अनास्था रूपी भंवर जाल से आपको खुद बचाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आप दो कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम पीछे बढ़ेंगे, दो कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम पीछे बढ़ेंगे। जिस सत्य की तरंग की मैं बात कर रहा हूं, जो आप लोग अनेकों आते हैं कि गुरु जी हमारी कुंडली चेतना जागृत करें, ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये सतत एक प्रक्रिया है। और जब तक आप भाव पक्ष जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि दुर्लभ है, मगर दुर्लभ वो है कुंडली चेतनापूर्ण, मगर एक किरण को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। और जब वो एक किरण आप प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर चेतना तरंगे आपके शरीर में कार्य करने लगेंगी, प्रवाह फैलने लगेगा, आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, आपके अवगुण दूर होते चले जाएंगे, आप विषय विकारों से दूर हटते चले जाएंगे, आपको सत्य का ज्ञान होने लगेगा, आपको तृप्ति मिलने लगी, आनंद मिलने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे, आप नमक रोटी खाकर के भी ज्यादा तृप्ति की अनुभूति प्राप्त करेंगे। आपको उस रास्ते को तय करने की जरूरत है। एक बार तो संकल्प लो कि हम एक बार, क्योंकि अगर इस स्थान में आओ, एक मौका है आप लोगों के पास कि शायद विचार बनाओ, तुम में से अधिकांश सफल हो सकते हैं, कि हम एक बार अटूट रिश्ता। मैं यही कहता तुम आप, क्योंकि मैं गुरु होने के बाद नहीं, मेरा धर्म और कर्तव्य बनता कि आपको ज्ञान कराऊं, मैं इसलिए नहीं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप मेरे प्रति समर्पित हो जाएं, आप इस स्थान के प्रति समर्पित हो जाएं। आप किसी धर्म संस्थान से जुड़े हैं, आपके कोई विचारधारा है, कहीं से आप जुड़े हैं, अगर आप वहां पूर्ण मानते हैं तो आपके अंदर भाव पक्ष होना चाहिए। मगर यदि आप यहां जुड़े तभी मेरे द्वारा बार बार ही चिंतन दिया जाता है कि आप नशा मुक्त का पूर्ण संकल्प लें, मांसाहार मुक्त का पूर्ण संकल्प लें, एक बार तो अटूट रिश्ता इस सिद्धाश्रम से जोड़ लें, एक बार तो अटूट रिश्ता दुर्गा चालीसा पाठ से अपने आप को जोड़ लें, कि अब जीवन के अंतिम सांस तक लाभ हानि जीवन मरण कुछ भी हो, उस रिश्ते पर कहीं जंग भी नहीं लगने देंगे। उसके बाद देखो कि तुम्हारे जीवन में आनंद और तृप्ति की अनुभूति होती है कि नहीं। मगर उस अनुभूति को तत्काल उसी पलड़े से न तोड़ने लगना, क्योंकि धर्म को भौतिकतावाद के तराजू में तौल करके कोई भी धर्म और सत्य के नजदीक आज तक न पहुंच पाया है और न पहुंच पाएगा। क्योंकि मैंने कहा, अगर मैं भी उसी तरह तौल लिया होता उस दिन कि जब मैं दो दिन भूखा था और तीसरे दिन नमक रोटी खाया था, मेरे पास दूसरे रास्ते थे, तो मैं भी भटक गया होता, कि मैं भी सोचता कि मां की आराधना कर रहा हूं, अगर इसका यही फल मिलता तो क्या फायदा, ये रास्ते को तय कर लूं तो ज्यादा अच्छा स्थिति हो जाए। उस अटूट रिश्ते को आपका गुरु बार बार कहता है कि हजारों जन कोढ़ियों को दे दिया जाए, अपाहिजों को दे दिया जाए, अपंग बना दिया जाए, तभी माता आज सब जन जगदम्बा से जो रिश्ता बना हुआ है उस रिश्ते में अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। उसी रिश्ते को आप लोग भी जोड़ें, तभी आप सच्चे भक्त कहला पाएंगे, तभी आप सच्चे शिष्य कहला पाएंगे। मेरे जीवन की यात्रा बड़ी खुली है, क्योंकि आज इसलिए बार बार उस दिशा की ओर ही चिंतन है कि आप उस दिशा के चिंतनों को पकड़ सकेंगे, तभी आप जीवन के सत्य को समझ सकेंगे, तभी आप भटकाओं से दूर हट सकेंगे। नहीं, आप तो चाटुकारिता का जीवन जीने वाले समाज में हर क्षेत्रों में लोग हैं, आप तत्काल मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, अनेकों जगह समाज भटकता चला जा रहा है, कहीं पर आपको भौतिक क्षेत्र का कुछ लाभ मिलने लगे आ तो ये, चूंकि आज इससे बड़ा चूंकि धर्म का ही अनादर, कुल चाटुकारिता की देन कि आज रात नीचे क्षेत्र में देखे, मगर उन अधर्मियों को कम से कम मेरी चेतावनी जरूर है कि आज जिस तरह के क्रियाकलाप वो उनके चाटकार चमचे कर रहे हैं और जिस तरह के नेता उन चीजों को उपभोग भोग कर रहे हैं कि उससे अपने आप को सम्मानित या महिमा मंडित करा रहे हैं, प्रकृति का जब डंडा पड़ेगा तब उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलती की थी। इसी तरह के लोग हैं जब बाद में कोढ़ियों और अपाहिजों के जीवन जीते हैं, मंदिरों उन्हीं मंदिरों पर फिर माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और हाथ में कटोरा लिए टहलते हैं। आज अनेकों लोगों को देख रहे होंगे जिस तरह हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, हिंदू समाज के लोग ही आज अनेकों नेता कोई दुर्गा जी के उनको उनके चाटकार चमचे जितने होते हैं दुर्गा जी की छवि में उनकी छवि स्थापित कर देंगे। अनेकों देवी देवताओं को देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, आडवाणी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को, इनके सबको किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके आरती पूजन कर रहे हैं उनके मंदिर बना करके। वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं दुर्गा जी का स्वरूप दे दिया जाता है, दुर्गा जी की छवि में उनका चेहरा रख दिया जाता है, मायावती को कभी उस तरह रख दिया जाता है। मैंने कहा यह तो पहली चीज कि जिनको इस तरह माध्यम बना दिया जाता है उनको मंच से खड़े होकर के कहना चाहिए कि ये चाटुकार चमचे जो कर रहे हैं उनको अपनी पार्टियों से अलग कर देना चाहिए और उन्हें जेल की कोठियों में डालने के रास्ते प्रशस्त करना चाहिए। ये धर्म दो ही हैं, इन्हें तो कानून बनना चाहिए कि इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को आजन्म कारावास की सजा मिलना चाहिए।
एक व्यक्ति की हत्या कर देने वाले व्यक्ति को आजन्म कारावास की सजा मिलती है, मगर जो धर्म की हत्या कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं। मगर ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगा। मैंने कहा भक्ति मानव कल्याण संगठन मैंने न्यू डाला है, मेरी चेतावनी इस तरह के लोगों को है, या तो वे सुधर जाएं, नहीं आने वाले समय में जिस समय मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन को उस क्षेत्र में बढ़ाऊंगा तो इस तरह के लोगों को घर से घसीट कर बीच चौराहे में खड़े करा करके जूतों की माला पहनाएंगे। यह धर्म का अपमान है। हमारी उस माता आदिशक्ति जैनजा वो धूर्त नेता अपनी छवि में वो छवि को अंकित करने का प्रयास करते हैं। माता आदिशक्ति जैनजी जगदम्बा को अपमानित किया जाता है। हिंदू समाज के लोग बोलना नहीं चाहते, अपनी आवाज उठाना नहीं चाहते। कहीं राम को अपमानित किया जाता है, कहीं राम को काल्पनिक राम कह दिया जाता है, काल्पनिक पात्र कह दिया जाता है। कहां चली जाती है समाज की भक्ति देवी देवताओं के प्रति? जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देव पुरुष हैं, उन्हें काल्पनिक पात्र कहा जाता है, उन्हें शराबी कहा जाता है, और हम उस तरह के लोगों को बख्श देते हैं। मैं निश्चित माता आदिशक्ति जगदम्बा का आराधक हूं, मगर हर ऋषि देव संस्कृत का संरक्षक होता है। राम एक देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, कृष्ण देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, उनका अपमान कम से कम मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। इससे हमारा पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। जो सत्य के पात्र है उन्हें काल्पनिक पात्र कहा जाता है। यदि राम को काल्पनिक बना दोगे तो हजारों ऋषि मुनि हमारे सब काल्पनिक हो जाएंगे। हमारे अनेकों स्थान चित्रकूट धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो उन्हीं कुल कड़ी से जुड़े हुए हैं। बजरंग बली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो पूरा हमारा इतिहास, जो पूरी संस्कृत हमारी, जिस वंश परंपरा से हम आज तक चले आ रहे हैं, जिन देव पुरुषों की आराधना करके अनेकों सिद्ध साधक ऋषि मुनि आगे सत्य पथ पर बढ़े हैं, उन्हें आज धूर्त भ्रष्ट लोग काल्पनिक पात्र कह रहे हैं, और समाज शांत बैठा रहता है। हिंदू धर्म की बात करने वाली वे पार्टियां शांत बैठी रहती है, और हिंदू धर्म के उन्हीं पार्टियों के अध्यक्षों को यदि कोई एक छोटी सी टिप्पणी कर दे तो रोड में कपड़े उतार करके चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। मगर आज उनकी जवान पे ताला लग गया है, जवान बंद हो चुकी है। वह चेतना का संचार समाज में करना होगा कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। हमारे देव पुरुषों का कभी कोई अनादर न कर सके। जो सत्य है उसे सत्य के रूप में तुम ना स्वीकार करो अलग बात, मगर कम से कम तुम्हें टिप्पणी करने का उसमें कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति की हत्या करने का आजन्म कारावास की सजा होती है, और जब तुम हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हो तो तुम्हें किस प्रकार की सजा मिलना चाहिए? उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। मगर इस तरह के जितने आज भ्रष्ट नेता राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हुए क्या सोचेंगे? भावना सत्य क्या होती है? जाएंगे मंदिरों पर गिड़गिड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक एक अंगूठियों में 10-10 अंगूठियां पहने होंगे हाथों में, लाभ उसी क्षेत्र का लेंगे। मगर जहां धर्म की बात आ जाती है तो धर्म भी उड़ता कि हमें अगर हम किसी के भक्त कह देंगे हम राम के भक्त हैं तो हमें रूढ़िवादी विचारधारा के और नाना प्रकार क्या कहेंगे। हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम कोई जान न जाए कि हम पूजा पाठ करते हैं। खुलापन आना चाहिए आपके जीवन में, खुली भक्ति आनी चाहिए, आपके शरीर में चेतना का संचार होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि शक्ति सामर्थ्य किसी प्रकार से आए तो उसका कभी अनादर न हो। एक व्यक्ति भी ऐसा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। मैं अपने संगठन को कभी उग्रवाद के मार्ग पर नहीं बढ़ाता, कभी तोड़फोड़ की राजनीति को नहीं बढ़ाता। हर पल एक निर्देशित रहता कि कभी भी एक व्यक्ति भी जीवन में ऐसा प्रताड़ित आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। और यदि कोई अपराधी है तो पहले उसे कानून के दायरे में लाओ, यदि नहीं ला सकते हो तो उसे अगर तुम दंड भी देते हो तो दंड देने में सदैव ध्यान रखो कि दंड उसी व्यक्ति को गल पाना चाहिए जो व्यक्ति उस प्रताड़ना का अधिकारी हो। कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, मगर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। यह हमारा दायित्व बनता। हमारे पिता को कोई एक गाली दे देता है, हम तत्काल उसकी कालर पकड़ लेते हैं, तत्काल उसको गोली मार देते हैं, आज हो रहा है समाज में। मगर जो हमारी आत्मा की जननी है, जो हमारे देव पुरुष हैं, आराध्य हैं, जिनसे करोड़ों करोड़ों समाज लाभान्वित होता रहा है, जिनसे करोड़ों करोड़ों समाज पथभ्रष्ट होने से बचा है, जिनकी कृपाओं से आज सत्य जीवित है, उनका इतना बड़ा अनादर और अपमान किया जाता है और हम मुख में ताला लगा करके बैठ जाते हैं। जब तक हम इस भ्रांति से उभरेंगे नहीं,
तब तक समाज में सत्य सत्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। आप वह भक्ति, अटूट भक्ति हासिल करें, आपके जीवन में दृढ़ता हो, संकल्पवान आप बने कि हम सत्य पथ पर चलेंगे, सत्य पथ के कार्य करेंगे और असत्य पथ पर चलने वालों को समझाएंगे, सही रास्ता बताएंगे, अगर नहीं समझते तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके अंदर वह अटूट भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वह श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर वह समर्पण होना चाहिए। आपका गुरु और किस चीज से आपसे जोड़ना नहीं चाहता। यह दिशा उस क्षेत्र में चली गई, मेरे उस दिशा का चिंतन जाने का निश्चित नहीं था, एक चिंतन मेरा आज भक्तिभाव से आपका चिंतन था। मगर जिस अंतराल में अनेकों जगहों पर माँ की छवियों का जिस तरह से हुआ, मैंने कहा वो छवि मेरा अलग है, ये तो चिंतन मेरे विचार थे, मगर आने वाले समय में अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो इसके लिए कहीं ना कहीं भक्ति मानव कल्याण संगठन को मेरे द्वारा वह शक्ति सामर्थ्य प्रवाह जरूर भविष्य में आने वाले समय में दिया जाएगा कि कम कम ऐसे समाज को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आपके अंदर वह भक्तिभाव पैदा करना है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। मैंने कहा यहाँ की जो मेरी जिस तरह की यात्रा चल रही है कि आपके अंदर वह निष्ठा विश्वास, यहाँ के एक एक पल का किस तरह आपको लाभ लेना है। आप अनेकों बार घर में जिस तरह चाहते हो उस तरह का भोजन कर लेते हैं, जैसा चाहते हैं सुख सुविधाओं से रह लेते हैं, यहाँ जिस तरह की जो व्यवस्था, चूंकि प्रारंभिक समय है, आज यहाँ उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, आप जितनी व्यवस्थाएं, मैंने कहा मगर धीरे धीरे जिस तरह मैंने बार बार कहा कि मैं सत्य को सत्य के रूप में ही स्थापित करना चाहता हूँ, अनित अन्याय अधर्म का रास्ता लेकर के नहीं। समाज की जिस तरह की आवश्यकताएं उस तरह की यहाँ स्थितियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, जिस तरह समाज को कर्तव्य बोध हो जाता चला जाएगा, क्योंकि समाज को जितना कर्तव्य बोध कराना मेरा कर्तव्य है, एक गुरु के नाते उतना ही कराता हूँ। कहीं इस कामना से नहीं कि मैंने पूर्व में चिंतन दिया कि मैं दान का एक रुपया भी अब कभी स्वीकार नहीं करता। समर्पण और सहयोगी के रूप में अपने साथ जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं बढ़ रहा हूं, उस लक्ष्य की पूर्ति में जो भी सहयोगी बनकर चलते उनको समान भाव से स्वीकार करता हूं। यहां का चाहे सिर हो चाहे जितना खर्चा है, कहीं पर भी मेरे द्वारा कभी भी एक रुपया किसी से चंदा वसूल नहीं किया जाता। स्वेच्छा से शिष्य आते हैं, जो सहयोग दे दिए तो अच्छी बात, नहीं दिए तो जिस तरह पूर्ति हो जाती है अच्छी बात है। मैं आज अपने जीवन के लिए नहीं मगर समाज, तुम्हारे कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए एक बार नहीं अनेकों बार कर्ज लेकर के भी लगा देता हूं, धीरे धीरे अदा करता रहता हूं। कार्य व्यवस्थाएं जैसी चल रही संतुष्ट हूं, मगर जो मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, उनको भविष्य के लिए जिस तरह मेरे एक लक्ष्य है कि इस स्थान को चेतनता भी हमें देना है, समाज में प्रवाह डालना है, आपके अंदर एक चेतना का संचार करना है, उस सत्य की यात्रा को भी तय करना है, साधक भी आपको बनना है, उसी तरह इस स्थान को जिस तरह आप लोगों के हृदय में स्थापना माँ की आदि जीवनी जगदम्बा की करने का मेरा हर पल चिंतन रहता है, सत्य की स्थापना करने का रहता है, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति आपके अंदर किस तरह समाहित हो उस पर लक्ष्य रहता है, उसी तरह लक्ष्य उस दिशा की ओर भी है कि इस स्थान को धर्म धुरी भी स्थापित करना है। तो मेरे पास जो साधनात्मक चेतना तरंगे है उसके फलस्वरूप यहाँ के हर कणकण को चेतन करने के लिए हर पल लालायित रहता हूँ और सदैव प्रयास करता रहता हूँ, उसी तरह का साधक का जीवन सतह जीता हूँ। पूर्व के चिंतनों में मैंने जो एक चिंतन दिया था कि यहाँ के जिस तरह की यात्रा प्रारंभ की मेरे द्वारा आई कि जब मैं प्रारंभ में आया था तो यहाँ तो 10x10 की जगह बैठने की भी नहीं थी, आज तो इतनी बड़ी जगह है, मेरा एक छोटी सी राउटी जो लगाई गई थी, राउटी के लिए जगह बनाने में काफी वक्त लगा था और फिर साफ सफाई भी नहीं हो पाई थी, लिपाई भी नहीं हो पाई थी, इतना समय साफ सफाई में लग गया था कि उसी तरह की जगहों पर हम किस तरह से लेटना पड़ा था। मैं उस तरह जबकि वहां सुविधाओं से रह रहा था, चाहता तो व्यवहारिक मकान ले सकता था, मगर सहजता की यात्रा जीवन में तय करो। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि प्रकट सत्ता जिस रास्ते में, सबरी वगैरह का चिंतन आप लोगों ने सुना होगा, मगर उसे आप चिंतन सुनते एक कोने से निकाल देते हैं, वो आपके अंदर भक्ति भावना जिस जगह पर प्रकृति की धर्म धुरी स्थापित होना हो, जिस जगह पर प्रकृति का हर पल गुणगान हो रहा है, आपका गुरु कह रहा है कि मैं इसे धर्म धुरी स्थापित करके मानूंगा, यह धर्म धुरी के रूप में विश्व की आध्यात्म धुरी कहलाएगी भविष्य में, तो उसके प्रति आपके अंदर भाव क्या होने चाहिए। आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, क्योंकि मैंने कभी भी दान रूप से कभी किसी से अपेक्षा नहीं कर, मगर पूर्व में मैंने जो अनेकों बार चिंतन दिया, पूर्व मैंने एक चिंतन दिया था कि जब मैं यहाँ आया था तो दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को मैंने छप्पर में प्रारंभ किया था, इसके बाद इस अस्थायी भवन का निर्माण किया था। पूर्व के अनेक, चूंकि अब आप उन चिंतनों को सुनते नहीं हैं, चिंतनों में सुने तो सब विचार समाहित रहते हैं, जब मैं आपसे जो कुछ कह देता हूं तो आप वो करने लगते हैं। जिस तरह माँ का अखंड भंडारा चलता था, मेरे द्वारा कभी आपको चिंतन नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां की जो विचारधारा चली इस आश्रम को आप अपना माने, हम आप सबको मिलकर के उन सभी क्रियाओं को यहां पूर्ण करना, जिससे आने वाला समाज करोड़ों करोड़ों वर्षों तक लाभान्वित होता रहेगा, उसके लिए हम आप सभी को मिलकर के, चूंकि जितनी पात्रता हमारे पास प्रकट सत्ता ने दे रखी है उस पात्रता के आधार पर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह मैं कार्य करता हूं उसके लिए आपको उसी तरह कर्तव्य होना चाहिए कि उन चिंतनों मेरे द्वारा अनेक बार चिंतन दिया गया कि पहले 56 प्रारंभ, उसके बाद आयसा, चूंकि अभी तक मैंने आश्रम के जो मूल आश्रम, जिस तरह मूल ध्वज में जहां माता का ध्वज टंगा हुआ है वहीं पर यज्ञ स्थल का निर्माण होना है, माता महिष्मर्दिनी के स्वरूप की स्थापना होगी 10 महाविद्याओं की, और भविष्य में यज्ञों के पूर्ण होने के बाद
यदि माता आज तक जननी जगदम्बा का चिंतन मिला और समाज में जिस तरह मैं प्रवाह डाल रहा हूं वही प्रवाह की गति रही, तो माता के मूल स्वरूप की भी स्थापना हो सकती है। मगर हमें अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे निर्वहन करने की जरूरत है। ना मैं याचक बनकर के कह रहा हूं, ना दान रूप में स्वीकार करने की भाव करके कह रहा हूं। जो मेरे शिष्य उन्हें सिर्फ अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध करा रहा हूं कि अगर मेरी यात्रा से अगर आप इतने वर्षों से जुड़े हो, सत्य का एहसास जो अब तक कर चुके हो, उस सत्य का एहसास करके हमारा कर्तव्य है कि यहां जो अस्थायी 40 वर्ष में, कि अब मैं जो प्रारंभ स्थायी मेरे 11 वर्ष के जो चिंतन थे कि 11 वर्ष मुझे साधनात्मक कर्म में किस तरह से यहाँ के वातावरण को चेतन करना था, कि इन अनुष्ठानों को पूर्ण करना था, समाज में कितना परिवर्तन डालना था, वो क्रम मेरा बराबर उसी गति से चल रहा है। मगर 11 वर्ष पूर्ण होने के बाद आगामी 23 जनवरी के बाद स्थायी निर्माणों की ओर कदम उठाया जाएगा। और उस कदम में आप लोग बार बार पूछते हैं कि गुरुदेव जी यज्ञ स्थल का कब निर्माण हो जाएगा, कब यज्ञ स्थल यज्ञ प्रारंभ हो जाएंगे। मैं एक एक कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। मेरे लिए जीवन में कभी कोई उतावलापन है, क्योंकि जिस चीज की पूर्ति होना है समय के साथ पूर्ति जरूर होगी। मगर अपने कर, चूंकि जिसे मुझे ज्ञान है मैं कर्म करता रहता हूं, और आपका आपको ज्ञान कराना गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको कर्तव्य बोध कराऊं कि इस अखंड दुर्गा चालीसा के पाठ का सबसे पहले अगला निर्माण, जो भी स्थायी निर्माण यहां पर आश्रम पर प्रारंभ किया जाएगा। अभी सब जगह इसलिए तस्वीरें रख रखे, मैंने किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की। एक एक शुरू में इतना खर्चा हो जाता, अगर चाहता तो मूर्ति रख देता, शायद आप बहुत ज्यादा एकाग्र हो रहे होते। अनेक लोग आते हैं कि अरे यहां तो क्या अभी तो कोई मंदिर भी नहीं बना, अभी तो माता की स्थापना, माँ की स्थापना लोगों के हृदय में हो रही है, माँ की स्थापना मेरे हृदय पे है, माँ की स्थापना यहाँ के कण कण पे हो रही है। हमको उन कड़ियों को जिस तरह से जोड़ना है उस तरह एक क्रम, जिस तरह दुर्गा चालीसा अखंड पाठ का प्रवाह यदि आप खुली आंखों से देख रहे हो तो माँ का गुणगान यदि यहाँ चल रहा है तो देश के कोने कोने में दुर्गा चालीसा का अखंड कितने अनुष्ठान हो चुके हैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। कितने घरों में माँ की आरती हो चुकी, यह सत्य क्या आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता? किस एकांत स्थान में जो एक दुर्गा चालीसा का पाठ छप्पर में प्रारंभ हुआ था, उस अखंड पाठ का प्रवाह समाज में किस तरह गति पकड़ता चला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। उस अस्थायी भवन से अगला कदम जो उठेगा, आप लोगों से अनेकों बीच में मेरे पास आते हैं, गुरुदेव जी हम यहाँ अपना सेट बनवा देना चाहते हैं, लोग आगे धूप में बैठते हैं, आप हमारे नाम से हमारे पिताजी के नाम से बनवा दे, पिताजी के नाम से हमारे कोई कुआं बनवा दीजिए गुरुदेव जी, हम चूंकि आप लोग की आदतें पड़ी हुई हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नाम अंकित हो जाए या हम दान, तो मैंने बार बार कहा कि आश्रम में दानी बनकर के तो आप कभी सहयोग न करें, क्योंकि दानी बनकर के आप करोड़ों रुपए का सहयोग कर देंगे, आपको 1 रुपए का फल प्राप्त नहीं हो सके। क्योंकि धर्म में कभी दान नहीं दिया जा सकता, धर्म गुरु को कभी दान नहीं दिया जा सकता, प्रकट सत्ता को कभी दान नहीं दिया जा सकता। ना आपका धर्म गुरु कभी आवश्यकता मांगता है कि मैं भूखा हूं, मुझे कपड़े पहनना है, मुझे अपनी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदना है, इसलिए मैं तो आपसे 1 रुपए का दान दक्षिणा लूं, आपको दीक्षा प्रदान करता हूं, 1 रुपए की दक्षिणा की कामना नहीं रहती। जो आप देते हैं वह भी केवल धर्म के जनकल्याणकारी कार्यों में लगाता हूं, अपने जीविकोपार्जन में नहीं। आप जो मेरे चरणों में चढ़ा जाते हैं वो भी जनकल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। अखंड भंडारा भी मेरे द्वारा चलाया जाता था, केवल हरियाणा से गेहूं का सहयोग मिल जाता था, बाकी सब माँ की कृपा से किसी तरह से मेरे अपने सहयोग से और जो आंशिक सहयोग मिलता था माँ की कृपा से चलता था। पिछले उसमें शुरू में मैंने चिंतन दिया और निश्चित अखंड भंडारा आज शिष्यों का 90% ऐसा सहयोग आ जाता कि माँ का अखंड भंडारा शिष्यों की तरफ चला। तो मैं यहाँ चाहता हूँ इस आश्रम में जो कुछ भी चले समाज का समाज के लिए चले, मुझे जो मेरे द्वारा किया जाना है, मेरी एकांत की जो साधना हो, तो रोम रोम में समाज को समर्पित कर ही चुका हूँ। हमारा और आपका सबका कर्तव्य बनता है कि आने वाला जो अगले वर्ष एक जो चिंतन है कि सर्वप्रथम यहाँ का जो निर्माण होगा उस दुर्गा चालीसा के अखंड स्थायी भवन का निर्माण होगा। सौभाग्यशाली वो समाज होगा जिसके आंखों के सामने उस स्थायी भवन की नींव पड़ेगी, स्थायी भवन का निर्माण होगा, स्थायी भवन में बैठ करके दुर्गा चालीसा के एक पाठ का भी आनंद जीवन में प्राप्त कर सकेंगे, तृप्ति जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। यह समाज आप लोग सौभाग्यशाली हैं। उस कर्तव्य में जहाँ अलग अलग अनेकों लोग बीच बीच में आते रहते, गुरुदेव जी मेरे लिए हमारे लिए कोई सेवा बताइए, अनेकों लोग एक नहीं अनेकों हर बार कह दिया जाता है गुरुदेव जी हमारे लिए बताइए हम क्या करें, तो मेरे द्वारा कभी आज तक नहीं कहा जाता था। अब आज भी उस भाव से मैंने कहा कभी अंश मात्र भी आपके अंदर फर्क ना आ जाए, ऐसा भाव भी आ जाए तो मैं ऐसे भाव को पैर ठोकर मारता हूं, कभी 1 रुपया भी आप इस क्षेत्र में लगाइएगा नहीं। मगर यदि आपको कर्तव्य बोध हो कि यह अखंड पाठ जो माँ का गुणगान चल रहा है, इस भूतल का पहला ऐसा पाठ जो माँ का अखंड गुणगान चल रहा है और इससे समाज लाभान्वित हो रहा है, समाज में एक प्रवाह फैल रहा है, उसमें हम सहयोग, जिस तरह गुरुदेव जी कार्य कर रहे हैं उस तरह हम भी एक सहयोगी बन जाए। क्योंकि हम प्रकट सत्ता को नहीं देंगे अगर उसके निर्माण कार्य में हम कहीं सहयोग करेंगे, हम निर्माण कार्य करेंगे तो उससे आप लाभान्वित होंगे, आने वाला समाज लाभान्वित होगा। तो जो लाभ आपको मिला, जो आप महसूस कर रहे हैं, उससे आने वाला समाज लाभान्वित हो सके, उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके निर्माण में जो हमारी पात्रता हो सहयोगी बने। और उसके लिए मैं आपको सिर्फ कर्तव्य बोध करा रहा हूं कि तुम यदि मेरे शिष्य हो, तुम्हारे अंदर पात्रता हो,
तो ना मैं याचक बन करके कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मुझे किस चीज की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर भाव पक्ष अगर जागृत हो तो अगले वर्ष से इस नवरात्र से एक मैंने चिंतन दिया है कि जो बार बार मुझसे कहते थे गुरुदेव जी हमारे लायक कोई सेवा बताई फाफर में, हमारा हम क्या कर सकते हैं, अनेकों लोग बीच में कोई अधिकारी आते हैं, कोई कर्मचारी, कोई राजनीति से जुड़े से लोग आते हैं, कोई व्यवसाय से, या कभी कुछ जो मेरे शिष्य हैं गरीब हैं उस तरह की स्थिति, कि गुरुदेव जी हम अपने माता पिता के नाम पर कुछ करना चाहते हैं या किसी पक्ष के नाम, तो मैंने एक रास्ता दिया है कि पहला निर्माण माता का जो दुर्गा चालीसा का पाठ होगा उसमें मैंने एक प्रकल्प दे दिया है प्रपत्र के रूप में, कल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, कि जो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप आपका नाम अंकित हो, आपके यादगार हो, कि आपकी आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित कर सके कि हम जिस भवन का निर्माण हुआ था उस काल में हमारे माता पिता थे, माता पिता का नाम वहां पे अंकित है, या माता पिता ने सहयोगी बन करके उस स्थान का निर्माण कराया था जिससे आज हम भी लाभान्वित हो रहे हैं, हम उस भवन में बैठ करके लाभ ले रहे हैं, तो मैंने एक क्रम दे रखा है कि अगला निर्माण का जो भी क्रम होगा वह दुर्गा चालीसा के अखंड चालीसा पाठ का जो स्थायी भवन होगा जिसमें 1000 लोगों के स्थायी सुविधायुक्त तरीके से बैठ करके अखंड पाठ जो स्थायी भवन इस मजबूती के साथ चेतनता के साथ कराया जाएगा, जो एक काफ़ी लंबे काल तक स्थायी भवन वह बना रहे, पाठ चलता रहे, वह स्थायी भवन पहली बार वहाँ इस निर्माण कराया जाएगा, उसमें जो भी उस प्रपत्र को आप कल प्राप्त कर लेंगे, आप अगर सहयोगी बनना चाहें, कोई मैंने बार कहा कि कहीं भी ना तो मैं आपको खड़ा कर आके मंच पे आपको तालियां बजवाऊंगा कि आपने इतने लाख का दान दे दिया तो आपको ये कर दिया, ना आपको माल्यार्पण करूंगा, आप सहयोगी बन करके कि आप अपने आप को एक खुद याचक मां के चरण बने कि हमारे लिए ही कि याचक बने, हमें यह सौभाग्य मां यदि आप दे दें कि हमारा धन इस क्षेत्र में लग जाए तो हम सौभाग्यशाली होंगे, तो आप उस क्षेत्र में सहयोग कीजिएगा। और उसमें मैं सभी को खुला छूट देता हूं कि समाज के मेरे शिष्य मां के भक्त या समाज में जिन लोगों का आप चाहें जो सहयोग श्रद्धा से उस अखंड पाठ के पूरे समाज के लिए जन जन के लिए जो सहयोग दे सकेंगे उस चालीसा पाठ के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि अगला पाठ उस चीज का किया जाएगा, और जिसके अंदर आंशिक भी भावना उस भाव से आ जाए तो मैं उसे कभी भी नहीं चाहूंगा कि एक रुपए का सहयोग यहां पे करे। पहला निर्माण एक चालीसा भवन का और उसी के साथ एक धर्मशाला का निर्माण होगा कि जहां जो लोग आए वो सुविधायुक्त तरीके से चालीसा पाठ कर सकें और सुविधायुक्त तरीके से रहे। उसके बाद जब इन दो चीज़ों का निर्माण हो जाएगा तब मैं यज्ञ स्थल की ओर धीरे धीरे यज्ञ स्थल की ओर बढ़ूंगा, जब इनके निर्माण की तैयारियां लगभग पूर्ण हो जाएंगी या प्रवाह अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि अभी पूर्णता है तब यज्ञ स्थल का निर्माण भी साथ में प्रारंभ करा सकता हूं। तो मेरे द्वारा एक कर्तव्य बोध भी आज आप लोग कराया जाता है कि वास्तव में अगर जो आप अब तक जुड़ चुके हो, यदि माँ के आप भक्त हो, यदि आपको लग रहा है कि इस स्थान पर एक ऐसा स्थान का निर्माण कराया जा रहा है जो सदैव सत्य का रक्षा बन करके रहेगा, हम विषम परिस्थितियों में इस आश्रम में आएंगे तो हमें शांति और तृप्ति का एहसास होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अगर यहां आएंगी तो उन्हें कभी धर्म के नाम पर ठगा नहीं जाएगा, लूटा नहीं जाएगा, भ्रमित नहीं किया जाएगा, गुमराह नहीं किया जाएगा, वो एक पल भी अगर यहां आएंगे तो एक पल उनका सार्थक होगा, तो आप यहां के क्रमों में जिस तरह से चाहें उस तरह से सहयोगी बन सकते हैं। उन क्रमों में स्थायी तौर पर उन लोगों के नाम अंकित किए जाएंगे, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं चाहता, मैंने तो हर पल से कहा कि मैं हर कुछ चाहता हूं कि आप लोग यहां से जुड़े हैं, उन चीज़ों का लाभ ले सकें, जिस तरह से आपको तृप्ति आनंद की अनुभूति हो, जिस तरह से आपकी कड़ी जुड़ सके, जिस तरह से आपके विचार जुड़ सके, जिस तरह आप तृप्ति अनुभूति करें, इसलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का नाम भी कोई अपने नाम से नहीं करा, भक्ति मानव कल्याण संगठन रखा। इस आश्रम का नाम भी मैंने पंच ज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम रखा है, इसमें भी मैंने कोई अपना नाम नहीं रखा। मुझे आप माने या न माने, मुझे जो कर्म करना है, क्योंकि जिस लक्ष्य को मैं लेकर के आया हूं उस लक्ष्य में एक अंश मात्र भी फर्क नहीं कर रहा। तुम मुझे गालियां भी दोगे तभी मेरा आशीर्वाद ही समाज की ओर जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं आएगा, ये अलग बात है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यदि किसी के द्वारा गालियां निकलेंगे तो गालियों का जवाब मेरा क्या रहता है, वह जवाब उन्हें प्राप्त होगा। जिस तरह के दंड के भागीदार वो बनेंगे, वो भागीदार बनेंगे। जो एक भावना समर्पण भाव से भक्ति भाव से आते हैं तो उस अचूक चेतना तरंगे आपके अंदर पात्र है, मुझे कहने की जरूरत है, क्योंकि वह सुपर कंप्यूटर आपके अंदर बैठा है। अगर आपकी झोली होगी तो उसमें फल निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगा। अगर झोली आप पलटा के खड़े हैं, झोली आपकी फटी हुई, तो उसमें कुछ भी अर्जित नहीं हो सकेगा। अतः आपको सिर्फ पात्र बनना है, आपको सिर्फ भक्त बनना है। माँ के सामने भी आपको याचक बनने की जरूरत नहीं, बार बार व्यथित होने की जरूरत नहीं, बार बार आप रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते, अच्छा बात, भाव पक्ष में आपके आंसू आ जाए अच्छी बात है, आपको तृप्त होना चाहिए, मगर कामनाओं के लिए आप व्यथित हों, कामनाओं के लिए आप बार बार रोएं, कामनाओं के लिए बार बार तड़पें, यह अनुचित होता है। पहले ही आप ऐसी यात्रा तय करें, चेतनता की यात्रा तय करें। कई बार आपको इस तरह समाज में आना अनेकों प्रकार की होती है कि आपका कोई परिजन अस्पताल में पड़ा रहता है, आप वहाँ जोर जोर से चिल्ला, क्योंकि आप किसी भाई बात आप ही नहीं कह रहा, समाज के सभी वर्गों की बात कह रहा हूँ, जो जिस क्षेत्र से जुड़ा होता है, जिन देवी देवताओं से जुड़ा रहता है, उनको बार बार हाथ जुड़ेगा, पर्दन कलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तड़पेगा, उस समय हमको शांति धारण करना चाहिए।
हमको फिर मानसिक रूप से प्रगसत्ता को स्मरण करना चाहिए कि अगर हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे कि आज इस परिजन को हमारे लाभ मिलना होगा, तो मां लाभ दे, हम केवल मानसिक प्रार्थना करें, मानसिक अपने इष्टों का चिंतन करें, स्मरण करें, मगर हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह आ जाने को प्रकाश होने लगता है, जब ऐसा होने लगता है तो कहा चीखने लगे, वो व्यक्ति खत्म भी हो जगह हो चुका है, डॉक्टर ने कह भी दिया खत्म, तभी कहो ज्योति जला के बैठ जाए। ये पागलपन होता है, अज्ञानता होती है। कोई शरीर खत्म हो चुका है, डॉक्टर ने कह दिया डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो हमको उसके आगे क्रियाकर्म का कार्य कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमको प्रगतिशतों के बाद इस तरह के कार्यों में व्यथित करके हम खुद एक पतन के भागीदार बन जाते हैं। हमें अपना यात्रा, अपनी यात्रा तय करना चाहिए, अपना रास्ता तय करना चाहिए, जो क्रम हमको उसको पूर्ण करना चाहिए। अनेकों लोग देखोगे जब कभी कोई अस्पताल में, चूंकि चाट पाता हूँ कि ये तो आपकी अपनी व्यथाएं हैं, उस तरह के कार्यों को मैं परेशान कहता हूँ। जिस तरह कोई नेता अगर कहीं अस्पताल में एडमिट हो जाता है, तो उनके जो चाटुकार चमचे होते हैं वो कोई गीता लेकर बैठ जाए, कोई कुरान लेकर के बैठ जाए, कोई वहीं का अस्पताल में ही पाठ करने लगते हैं, दिखाना और वीडियो कैमरा उनसे दिखाया जाए, कवरिंग दिखाई जाए, कि न्यूज चैनलों में प्रसारण किया जाएगा। इस सबसे कहीं प्रकृति प्रसन्न नहीं होती, इससे हम धर्म का अनादर करते हैं। इन विषम परिस्थितियों पर हमें मानसिक चिंतन करना चाहिए, एकाग्रता का चिंतन करना चाहिए, संयमित चिंतन करना चाहिए, तब हम शायद किसी को ज्यादा लाभ दे सकेंगे। तो हमारे अंदर वो विचारधारा होनी चाहिए। इस तरह की अनेकों गलतियां समाज करता है, आप लोगों में भी अनेकों लोग करते हैं, जिस तरह की गलतियां नहीं करना चाहिए। हम सामान्य भाव से हों, कोई विषम परिस्थिति आएगी तो हमको उस समय हम बहुत चीघने चिल्लाएंगे कि हमारी प्रगतिशतता उस समय के भक्ति हमारी प्रसन्न हो जाएगी एक बार चीघने चिल्लाने से। अगर हमने पहले अच्छे कर्म किए तो उन अच्छे कर्मों को याद करें, माता के चरणों में प्रार्थना चिंतन निवेदन केवल मानसिक रूप से कर दें। बार बार गिड़ाए, बार बार माथा अपना डा पटके, बार बार चीखें चिल्लाए नहीं, अनुचित होता है। माँ को बार बार आपको अपने शब्द देने की जरूरत नहीं, माँ को एक बार आपने कह दिया, वो कण कण में मौजूद जो प्रकट सत्ता हो। मैंने कहा ऋषि मुनि देवी देवता चैतन्य योगी जिनके एक रजकण पाने के लिए लालायित रहते हैं, एक रजकण पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उस प्रकट सत्ता को हमें बार बार कुछ याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। हमारे अंदर व्यथा है, भाव है, एक बार हम व्यक्त कर दें, वह भक्ति अपने अंदर आप पैदा करें, वह चेतना अपने अंदर पैदा करें, बच्चों को वह दिशा दें। मैंने कहा वही चीज जिस तरह आराधना में आपको सरल से सरल मार्ग पकड़े, मैंने बहुत सरल और सहज मार्ग आपको दिया है, दुर्गा चालीसा के पाठ का, कुछ मंत्रों का, कि उन मंत्रों को श्रद्धा विश्वास से आप बार बार पूछने आते हैं, गुरु जी हम और क्या करें, आगे क्या करें, और जो मैं दे रहा हूं पहले उसको तो करो, धरातल तो मजबूत करो। नींव तुमने अच्छी जमाई नहीं है और कहता गुरु जी हमको महल खड़ा करने का ज्ञान बता दो। गुरु जी हम महल खड़ा करना चाहते हैं, कोई बेवकूफ गुरु होगा जो ज्ञान दे देगा? बेवकूफ गुरु होगा जो उसके आगे का मार्ग बताएगा? वो तो पहले देखेगा तुम्हारी नींव जमी है कि नहीं जमी, और नींव उसी से जमेगी कि आपके अंदर वह भक्ति जागृत हुई है कि नहीं, और वह भक्ति स्थायी है कि नहीं। वह कहीं ऐसी तो नहीं कि आप क्षणिक आज कह रहे हैं और कल भावना बदल जाए। जिस दिन आपके अंदर वह भक्ति स्थायी आ जाएगी, चेतना का प्रवाह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अतः वो धरातल को मजबूत करें। हमें वास्तव में अगर मानो है तो हमारा कर्तव्य बनता है जो हम प्रगत सत्ता जो मैंने हमने इतनी दूरियां बढ़ा रखी हैं उन दूरियों को कम करें। पहले लोग त्रिकालज्ञ हुआ करते थे, आकाशवाणियां हुआ करती थी, उनको सुन लेते थे, कुछ देर ध्यान लगाते थे, तत्काल प्रगत सत्ता से एकाकार हो जाते थे। अब आज ये सब कुछ क्यों दूर होता चला जा रहा है? चूंकि सुषुम्ना नाड़ी पर, चूंकि हमारे और प्रगत सत्ता सूक्ष्म दृश्य और सूक्ष्म जगत से संपर्क स्थापित करने के लिए हमारी केवल सुषुम्ना नाड़ी सातों चक्र है। कि सातों चक्र जब तक हमारे पूर्ण चैतन्य नहीं होंगे तब तक हम प्रकट सत्ता से एकाकार नहीं, सूक्ष्म जगत से अपना संबंध नहीं मिला सकते। जबकि द्रव्य से आदर्श जो सत्य है उसे हम क्यों नहीं देख पाते? उसे हम देख सकते हैं, और उस देखने के लिए हमने कहा कि आपको हमको सतत प्रयास, जो दूरियां को धीरे धीरे मिटाए तो हम नहीं देख पाए, मगर प्रकट सत्ता के प्रवाह तो हमारे अंदर आने लगे। अगर प्रवाह को हम रोक देंगे तो धीरे धीरे अंधकार हमारा बढ़ता चला जाएगा और हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आज अष्टमी का दिन है, आज भक्ति मांगो। माता आदि सब जननी जगदम्बा से कि यदि माँ हमें दे सको तो भक्ति दो, और हो सके संकल्प ले सको तो एक संकल्प लो कि हम माता आदि सब जननी जगदम्बा के संकल्पित उस तरह के भक्त बन सके कि जीवन की अंतिम सांस तक हमारे चाहे नवरात्र के दिन हमारा परिजन खत्म हो जाए या हमारी बड़ी समस्या हो जाए, हम किसी दिन मंदिर में मौजूद हों उस दिन हमारी बड़ी बड़ी क्षति हो जाए, तभी माँ की आराधना में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा सब कुछ सर्वस्व छिन जाए तो भी माँ की आराधना में जिस प्रकार से हम कर रहे थे उससे और ज्यादा तीव्रता आएगी, कम नहीं आएगी। ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कहीं आते भी माँ को यह न लगे कि हम कहीं कहें कि हमारे जंग में वो कहीं ना कहीं जंग लगना शुरू हो गया है। उस प्रवाह का कम से कम आज संग, चूंकि अब धीरे धीरे वक्त आ चुका है, एक लंबी यात्रा कम से कम जो लोग मेरे साथ उस यात्रा को तय कर चुके हैं मैं उनसे तो जरूर अपेक्षा करता हूं कि वो संकल्प धारण करो कि वास्तव में अगर इस स्थान से तुम्हारी आस्था विश्वास डिगी है, जिस तरह मैंने कहा है, अगर मेरे बार बच्चों आज 11 वर्ष तक बार बार यह लक्ष्य मेरा नहीं उस दिशा का, क्योंकि लक्ष्य मेरा कि मैं आगे आपको साधनात्मक क्रियाओं की ओर और बढ़ाता चला जाऊं,
उन क्रियाओं को और बढ़ाता चला जाऊं जिससे आपको लाभ हो, चूंकि मैं 10-11 बार बार जो अपनी चेतनात्मक चुनौती मात्र इसलिए देता था, जो सत्य था उस सत्य को तुम सत्य के रूप में स्वीकार कर सको। और आने वाले समय में जो मेरा प्रारंभ था उसको भी आपने देखा और अंत तक की यात्रा तुम देखते चले जाओगे। इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि हो सके तुम डायरियों में लिख दो, कम से कम तुम चिंता नहीं पड़ सकोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सत्य को तो जान समझ सकेंगी, कि उनमें लिख करके रख दो कि आने वाली यह धर्म की धुरी बन करके रहेगी, जो मैं कहता हूं भविष्य में करके दिखाऊंगा। तुम अपने विचार लिख दो, अगर गलत विचार है तुम्हारे यहां के पर तो भी लिख दो, कम से कम तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक चीज तो समझ सकेगी कि हमारे माता पिता समझदार थे कि ना समझ थे। क्योंकि मेरी यात्रा समाज में ही गुजरना है, इस आश्रम की सत्यता समाज में ही स्थापित होना है। आने वाली आपकी पीढ़ियां जरूर देख सकेंगी कि वह है, चाहो तो शिलालेखों में रख करके अपने घरों में रखा दो कि हम एक स्थान पे गए थे, कोई जहां जिस धर्मगुरु से हम जुड़े थे वो धर्मगुरु बार बार चुनौती देते थे, ऐसी बात कहते थे कि विश्व कम कम कि इस धरती जिस चेतना को लेकर मैं बैठा हूं उस चेतना की समकक्ष खड़े होने की सामर्थ्य भूतल पर किसी की नहीं है, इस तरह चुनौती देते। तो हम उन्हें उस सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हमारे अंदर की भावना कहती थी कि जो कहा जा रहा है सत्य कहा जा रहा है, तो हमने स्वीकार कर लिया था, या कि जो कहा जा रहा था वो गलत कहा जा रहा था। हमारा बुद्धि विवेक ज्यादा चेतन था, हम ज्यादा समझदार थे, अतः इसलिए हम लिख के जा रहे हैं कि वो उस समय जो कहा जा रहा था गलत कहा जा रहा था। तो अपने विचार लिख सकते हो, शिलालेख लिखा करके या किसी ऐसे मजबूत चीज पर लिख करके रख दो जो आने वाली पीढ़ियों को 100-200 साल बाद उपलब्ध हो सके, कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां समझ सके तुम्हें वह सौभाग्य मिला था, तो तुम वास्तव में ज्ञानवान थे कि अज्ञानी थे। आने वाले बच्चे पीढ़ियां स्वतः पढ़ लेंगी, वो स्वतः समझ जाएंगे हमारे पिताजी समझदार थे या न समझ थे। अगर यहां असत्य समझ कि का प्रवाह होगा आने वाले समय में जो कुछ होगा, तो आपके आपके पुत्र जो होंगे निश्चित आपको सम्मानित करेंगे जो भी जैसी यात्रा होगी। अतः सौभाग्य जो मिला हुआ है उसमें बहुत ज्यादा उतावलापन आपके अंदर न हो, धरातल को मजबूत करो, धैर्यता को धारण करो, इस आश्रम में आकर के अपराधों से बचो। नवरात्र के दिन अति महत्वपूर्ण होते हैं, उन महत्वपूर्ण दिनों में भी अष्टमी नवमी और विजयदशमी अति महत्वपूर्ण पर्व होते हैं, उनका जितना आप लोग लाभ उठाएंगे। आरती के क्रम में मेरे द्वारा जो एक आशीर्वाद पूर्व में दिया गया था कि जिस स्थान पर मैं साकार शरीर के रूप में उपस्थित होता हूं, आप लोगों का आह्वान करता हूं और महाआरती का आयोजन करता हूं, जो अपने जीवन में 11 दिव्य महाआरतियों को प्राप्त कर लेगा वह इस शरीर का अगर अंत भी हो जाएगा तो मैं पुनः अगले जन्म में आने वाले जन्म में इस सिद्धाश्रम से निश्चित रूप से जोड़ दूंगा। और जो 108 दिव्य महाआरतियों का लाभ ले लेगा उस परम धाम, जिस धाम का जो मैंने कहा मैंने अपना परिचय दिया है, किस परम धाम सिद्धाश्रम धाम के जो योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी हैं उन्हीं का मैं एक स्वरूप हूं, उस परम धाम के आपको दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और उस परम धाम के एक पल की प्राप्ति ही जीवन की वास्तविक मुक्ति है। अब हम उसी दिव्य आरती की ओर चलेंगे। मेरा जो आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहता है इन्हीं शब्दों के साथ बोल देते हैं, माते की
ओम ब्रह्म वाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम शक्तिपुत्राय गुरुभ्यो 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 नमः, ओम जगदंबिके दुर्गाय 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 नमः, बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननम भूतयनाधिदेवतम कपेत्रजम्बो फलचारु भक्षणम उमासतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यज्ञेहि सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव दयानिधि दीनदयितकारी स्वामि दीनदयितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक अव बंधन हारी। Thank you.
परम पूज्य योगिराज श्री शक्ति पुत्री सद्गुरुदेव भगवान की माता जी शक्ति जगत जननी एकदम माते की जग जननी जय जय माँ जग जननी Yeah.
शक्ति जगज्जननी यज्ञमाते की युग वंदनी परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्री सद्गुरुदेव भगवान की बोल सांचे दरबार की जय। निश्चित है हम माँ के बहुत पुत्र हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं किस प्रकार से माँ की साधना आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से माँ की आरती करनी चाहिए। हम अपुत्र हैं, कोई बताएं माँ की आप महा आरती में अवश्य हुई होंगी, अतः समर्पण स्तुति के माध्यम से हम माँ से क्षमा याचना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार तुम्हें पाजाऊं मैं, एक बार तुम्हें पाजाऊं, हर पल कर दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे हाथों में, सब तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण को भगवती तुम्हारे शरणों में, भगवती तुम्हारे शरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो सब शरणों का पुजारी बनूं, तो सब शरणों का पुजारी बनूं। इस जगती एक रख का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे हाथों में, सब तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार सतही बनो इस काम भाव से कर्म करो, इस काम भाव से कर्म करो, फिर हम समय में पाल सको सादा तुम्हारे हाथों में, सादा तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे तुझे कस दे जयी, मैं घर हूँ तुम नारायण को, मैं घर हूँ तुम नारायण को, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों।
माता दी शक्ति जगत जननी यज्ञमाते की जय। विश्व वंदनी परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्र सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। और आओ हम लोग पांच पांच बार माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण करेंगे। बोल साचे दरबार की माँ। साचे दरबार की जय। और सभी लोग एक मिनट का ध्यान केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र में। बोल साचे दरबार की। दोनों नेत्र बंद करके बोल साचे दरबार की जय। बोलो जगत जननी यज्ञमाते की, विश्व वंदनी परम पूज्य विराज श्री शक्ति पुत्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोल साचे दरबार की, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, जन जन में, जन जन में, जन जन में, विश्व का भगवती मानव कल्याण संगठन, भगवती मानव कल्याण संगठन, भगवती मानव कल्याण संगठन। बोल साचे दरबार की। और अंत में पांच पांच बार गुरु मंत्र और चेतना मंत्र का हम सभी भक्तगण सस्वर जाप करेंगे, जिससे नए मंत्र, नए गुरु भाई गुरु बहने भी, हमारे नए माँ के भक्त भी इन मंत्रों का सहारा लेकर अपना कल्याण कर सके। बोल साचे दरबार की जय। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। बोल साचे दरबार की। बोलो जगत जननी यज्ञमाते की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। बोल साचे दरबार की। ओ
शांति ही शांति ही शांति ही। हमें दर्शन तेरा चाहिए, आ जाओ शेरावाली। हमें दर्शन तेरा चाहिए, आ जाओ शेरावाली। हमें दर्शन तेरा चाहिए, आ जाओ शेरावाली। आ जाओ शेरावाली, आ जाओ जोतावाली। आ जाओ शेरावाली, आ जाओ जोतावाली। हमें दर्शन तेरा चाहिए, दर्शन तेरा।